Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, A-LATE, CLAT PG, NLSAT and other law entrance test आप देंगे आप लोगों के लिए important हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के session को। उससे पहले अगर आप CLAT UG विजेता क्या सॉरी CLAT UG 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे विजेता बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप CLAT PG 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अचीवर्स बैच हमारा चल रहा है जिसमें यू कैन इनरोल। NLSAT के जितने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हैं। CLAT के जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे एवेंजर बैच एंड CLAT PG वाले जो हैं वो चैंपियंस बैच में आ सकते हैं। इसके अलावा मैजिक बॉक्स है हमारा, 7 बुक्स प्लस 50 मार्क्स CLAT UG के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप चाहें तो ये भी पाई कर सकते हैं और भी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के लिए भी आप हमारी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी कोर्सेज की डेमो क्लासेस डिटेल्स एवरीथिंग विल बी देयर। प्लस आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो वहाँ पे कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, NPT इज बिगनिंग टू लुक शेकी, मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का जो ये NPT वाला मसला था। ऑल दो हमने दो दिन पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे तीस्ता जी के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, INS विक्रांत के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम न्यूज़ के साथ मिक्स करके कवर करेंगे क्योंकि न्यूज़ में भी यही सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो इसी तरीके से आर्टिकल्स को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में और अभी ये काफ़ी मसला न्यूज़ में आ चुका है क्योंकि एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, तो उन्होंने जो है इस मुद्दे को उठाया था। मुद्दा देखिए क्या था, मुद्दा ये था कि आज की डेट में आपने कितनी बार देखा है कि इस तरीके की लिंक्स आपको मिलती है फंड रेजर वाली और फिर जो है आप लोग उसमें, बहुत सारे लोग आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो है फंड दे देते हैं कि भाई फला इंसान को फला बीमारी है ऐसे ऐसे पैसे दो। तो एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि भैया ये जो चीज़ें हैं ना ये डॉक्टर आ रही हैं, मतलब इसको लोग अपने हिसाब से एडिट करके डाल देते हैं, ऐसा एक्चुअल में कोई मतलब डिटेल्स होती नहीं है। तो एक तो ये चीज़ आती है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये दिख रही, जैसे मान लो किसी को गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, अब यहाँ पे रेस जो हो गया है वो 34 लाख हो गया है। तो ये जो बचे हुए पैसे हैं ना ये किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें फेक वाले भी केसेस हैं, साथ साथ ये भी हैं कि बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दी जा रही है, तो वो भी एक दिक्कत का विषय है। तो ये दो मसले जो हैं वो अभी इस मैटर में अभी न्यूज़ में थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। फ्यूचर में आप लोग भी थोड़े से जो है सतर्क रहिएगा इस मामले में। देखो ऐसा नहीं है कि जो डोनेशन दिए जा रहे हैं वो गलत हैं या सारे ही गलत हैं, बहुत बार बहुत लोगों की मदद हो रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे अब ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बात बोली कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उसका नाम बताओ जिसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस वाला था, हेल्थ इंश्योरेंस वाला, तो उसके थ्रू भी ये कवर हो जाएगा। और राइटर का कहना था कि 2-2.5 लाख रुपए मैक्सिमम लगते हैं जब कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, तो ये इतने इतने रुपए जो रेस किए जाते हैं वो गलत है और ये स्कैम टाइप की चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल के ऊपर, विक्रांत इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया सेज मोदी जी। तो INS विक्रांत जो है इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड इन कोची केरला फॉर इंडियन नेवी। ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है टू बी बिल्ट इन इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पहले, लेंथ ऑफ द शिप है 2.5 m, मोर देन साइज ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स, हाइट जो है वो है 61.6 मीटर, विड्थ जो है 61.6 मीटर है। वैसे ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसे नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आप चलना शुरू कर दो तो 12 किलोमीटर पूरा चलना लग जाएगा। इफ वन वर टू वॉक थ्रू द शिप पैसेजेस एंड लॉबीज द पर्सन वुड क्लॉक अबाउट 12 किलोमीटर। एस्टिमेट कॉस्ट जो है इसमें 20,000 करोड़ का आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें जानी। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, फुली फंक्शनल हॉस्पिटल विथ अ सिटी स्कैन मशीन, क्लोज इन वेपन सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ओवर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग MiG-29Ks कामोव्स जो रशिया का है, MS-60R चॉपर्स, ठीक है, और बाकी इसमें स्पीड एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। थोड़ा सा नाम पे आते हैं, क्यों इसका नाम INS विक्रांत है जानते हैं। देखो भारत की फर्स्ट इंडिजियस वॉरशिप जो थी ना वो थी INS अजय, 1960 में आई थी। फर्स्ट इंडिजियस फ्रिगेट जो थी वो INS नीलगिरी 1968 में आई थी। और भारत का पहला इंडिजियसली डिज़ाइन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो INS विक्रांत है, ठीक है।
45,000 टन्स का है, लार्जेस्ट नेवल शिप टू बी डिज़ाइन एंड बिल्ट इन इंडिया है। अब इंडिया भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली एंड चाइना के कदम पे आगे खड़ा हो गया है, जिन्होंने अपना खुद का आप कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अब विक्रांत नाम क्यों है? विक्रांत का मीन होता है करेजियस, बट सिर्फ इसीलिए इसका नाम विक्रांत नहीं है। भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था ना, 1961 में आपने यूके से लिया था, उसका नाम भी विक्रांत था, तो उसी से उठा के यहाँ पे इसका नाम INS विक्रांत किया गया। जैसे कि आजकल होता नहीं रोबोट, फिर रोबोट 2.0 मूवी वाला, तो ये वही है कि यार उसी का हमने एक मतलब उस नाम को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जो INS विक्रांत था ना, इसने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे युद्धों में भारत का साथ दिया है। 1971 इंडो पाक वॉर जो हुआ था, ऑल दो 1977 में जो है ये डीकमीशन हो गया था, तो वही INS विक्रांत के नाम को, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये नाम जो है रखा गया है। इसके अलावा भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये आपने रशिया से लिया था, रशिया की एडमायरल गोर्शकोव जो है, या बाकू भी जिसको बोलते थे, वो डीकमीशन हुई थी और फिर उसी को कन्वर्ट किया गया है थोड़ा सा अपग्रेड करके, और वो INS विक्रमादित्य के नाम से थी। नवंबर 2013 के अंदर जो है ये सर्विसेज में आई थी। अब भारत में देखो इंडिजियस तो है, ठीक है, लेकिन वी आर फेसिंग सम इश्यूज, ये है, हमने बनाया है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने बाहर से मंगा के असेंबल करी हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कंप्यूटर, मैं बोलूँ कि मैं घर पे बना रहा हूँ, अपने घर से मेरा कंप्यूटर बनाता हूँ, मैं CPU बनाता हूँ, और CPU का नाम जो है वो मानवेंद्र प्रताप सिंह CPU है, पर उसके अंदर जो मैं सामान लगा रहा हूँ वो चाइना से, जापान से, ताइवान से मंगा रहा हूँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि फिर वो इंडिजियस तो है, लेकिन अभी सेल्फ नहीं है, पूरा नहीं है। जब मैं अपने जो सामान यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, वो भी अपने आसपास से बनाने लग जाऊँ या अपनी लोकल चीज़ें लगाने लग जाऊँ, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ। तो देखो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वॉरशिप्स होती हैं, उनमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्लोट, दूसरा होता है मूव, तीसरा होता है फाइट, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इसमें मत जाइए कि क्या होते हैं, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जो फ्लोट वाला कंपोनेंट होता है ना, उसमें भारत ने 90% जो है वो इंडिजियस कंटेंट यूज़ किया है, 10% के आसपास इंपोर्ट किया है। जो मूव वाला जो इसमें कंपोनेंट है ना, उसमें भारत ने 60% अपना यूज़ किया है, 40% हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, और जो फाइट वाला है ना, उसमें भारत ने 50% अपना यूज़ किया है एंड 50% बाहर से इंपोर्ट किया है। तो ये जो सेल्फ रिलायंट है ना, हम तब प्रॉपर सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे विथ इन फ्यूचर, जैसे जैसे इन चीज़ों पे भी हमारी गवर्नमेंट एंड हमारे जो जो भी विभाग हैं इस पे काम करते हैं, वो लोग इन चीज़ों पे भी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो ये चीज़ थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू टीस्टा टिल गुजरात हाई कोर्ट टेक्स अ पेटिशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल जो है वो दे दी है टीस्टा जी को। इनके ऊपर मामला क्या था? इंटरिम बेल होता है जब तक कुछ समय के लिए, जब तक मामला ना हो जाए। अभी देखो मामला क्या था इनके ऊपर, इनके ऊपर ये लगे थे चार्जेस कि इन्होंने 2002 रियॉट केसेस के अंदर जो है वो एविडेंस के फोर्जरी, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, मेकिंग फॉल्स चार्जेस ऑफ ऑफेंस विथ इंटेंट टू इंजरी एंड कॉन्स्पिरेसी इन कनेक्शन विद 2002 रियॉट केसेस के इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वुमेन को फेवर मिलना चाहिए, और 2 महीने से जेल में भी थी, और इतना कोई बहुत ख़तरनाक इनके ऊपर सेक्शंस नहीं लगे थे CRPC के। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये टाइमलाइन लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले गुजरात की ATS ने अरेस्ट किया था, फिर अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने बेल देने को मना कर दिया था, गुजरात की हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल एंड पोस्ट एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल ऑन September 19 डिनाई कर दिया था, फिर कपिल सिब्बल ने ओरली सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है कहा था कि यार स्टेट ऑफ गुजरात को नोटिस भेजा था इसके पीछे, September 1 में फेवरेबल ट्रीटमेंट अंडर CRPC ये बात कही गई थी, एंड September 2 में सुप्रीम कोर्ट अलाउज हर इंटरिम बेल। तो ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई है। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग इन नेक्स्ट वीक। तो देखिए ये क्यों हो रहा है, SCO की मीट होने वाली है, उससे पहले जो है ये क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हो रही है, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये क्वाड का चार कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US। SCO की अभी मीट आ रही है, थोड़ा सा SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरेशिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन मतलब क्या होता है? यूरोप प्लस एशियन। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए बनाई गई थी। 2001 में ये क्रिएट किया गया था।
चार्टर जो है इसका 2002 में साइन हुआ था एंड ये फोर्स में आई थी 2003 के अंदर। इसकी मेंबरशिप जो है वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान के पास है। स्ट्रक्चर क्या है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल का एक होता है इसमें ग्रुप, दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का होता है, तीसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का होता है, और एक रेड्स होती है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे रीजन में टेररिज्म एंड इन सब चीज़ को रोकने का काम करती है, इस्टेब्लिश टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो रेड्स के बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि रेड्स इसमें से किसका पार्ट है, SCO, UN, ये वो, तो ध्यान रखना SCO का है, फुल फॉर्म होती है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखिए ये एक बड़ी ऐसी न्यूज़ है, ये पढ़ के ना मतलब मुझे सुबह, मैंने इसको पढ़ लिया, सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ना पड़ता है और काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, और उसमें ये न्यूज़ पढ़ के ना बिल्कुल दिल दहल गया है। हुआ क्या है, देखिए 32 साल की महिला जो है वो ट्रेन में चढ़ी थी, हरियाणा की एक घटना है, और अपने बच्चे के साथ चढ़ी थी, ट्रेन खाली था, तो एक कोई इंसान थे, अननोन पर्सन है, अभी नाम उनका नहीं निकल के आया है सामने, वो उनको हरेस करने लगे। शी ट्राई टू एस्केप, उन्होंने बचने की कोशिश करी और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, तो उस बंदे ने जो है इनको ट्रेन से धकेल दिया एंड शी डाइड। वो बच्चा जब स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे पहुंचा जहाँ पे उसके पिताजी उसका वेट कर रहे थे और उसकी माँ का, तो उनको उसने रो के सारी बात बताई, तब ये चीज़ें निकली। तो ये सारी चीज़ें जब सुनने में आती हैं और ऐसा होता है ना, तो बहुत एक तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, फिर ये भी लगता है कि हम एक तरफ डेवलपमेंट इन सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशंस भी देखने को मिल रही हैं। और ऐसा नहीं कि सजा नहीं है या ऐसा कुछ है कि क्राइम मतलब सजा है, बहुत ही हीनियत सजा भी हो गई है अब तो रेप एंड इन सारी चीज़ों की, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं, इन वो भी रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर, जहाँ पे मतलब कितने भी पैसेंजर नहीं होंगे तो पूरी खाली तो नहीं होगी, और लोग भी होंगे। तो मुझे लगता है ना कि गलती जो है ना वो सोसाइटी में है, लोग तो जो कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही हैं, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं ना वो भी उतने ही गलत हैं। एक वीडियो अभी और वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, महाराष्ट्र की एक ओल्ड लेडी है, वो उनके दुकान के आगे कोई बोर्ड लगा रहा था अपने पॉलिटिकल पार्टी का, और फिर उन्होंने लगाने नहीं दिया तो उनको मारा गया, बहुत मारा, उस वो बुढ़ी औरत थी, उनको मारने लगे, धकेलने लगे। मैं कह रहा हूँ चाहे वो बूढ़ी औरत ने उनसे बदतमीजी से बात करी हो, चाहे वो कुछ भी गलत हो, आप उनको मार सकते हो क्या? वैसे तो अभी मामला ही पूरा नहीं आया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कह रही है कि भाई इनकी इन्होंने हमें बोर्ड नहीं लगाने दिया, हमसे इस तरीके से बात करी। मैंने कहा कुछ भी किया आप मार सकते हो क्या? और उस वीडियो में आप देखोगे कि अगल बगल के लोग बस देख रहे हैं, एक बंदे ने भी बोला नहीं है। तो प्रॉब्लम ना मुझे लगता है कि आप और हम में है, जो हम जो है इन चीज़ों पर शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो इस पर ज़्यादा ज़रूरत है। द NPT इज बिगिनिंग टू लुक शेकी, 1 तारीख का सेशन जो था आई थिंक उसमें हमने इसको डिस्कस किया है पूरा डिटेल में, वही चीज़ें हैं, मैं PDF में इसको ऐड कर देता हूँ, आप चाहो तो पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी और भी कुछ इसमें नया चीज़ तो है नहीं। NPT जो पूरी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताई थी आपको 1 तारीख के सेशन में, आज से 2 दिन पुराना ही सेशन है तो वो ध्यान रखिएगा। G7 एग्रीज टू इम्प्लीमेंट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, तो ये आर्टिकल है। प्राइस कैप का मतलब ये होगा कि इससे महंगा कोई नहीं खरीदेगा, इसे सस्ता ही आपको खरीदना है। तो ये G7 जो है ये वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रुप है, इसमें पहले रशिया भी होता था, G8 होता था ये, फिर रशिया को इसमें से बाहर निकाल दिया गया। रशियन गैस पाइपलाइन टू जर्मनी विल स्टे शट, तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, ठीक है। इसका नाम तो पता ही है ना आपको, नॉर्ड स्टीम पाइपलाइन, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये रशिया कह रहा है कि नॉर्ड स्टीम वन लाइन से जो है ना हम गैस नहीं भेजेंगे, नॉर्ड स्ट्रीम वन लाइन से, बिकॉज अभी हमें वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और हम इस पे मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं अभी, जबकि जर्मनी को चाहिए थी यूरोपियन कंट्रीज़ में सप्लाई करने के लिए, तो रशिया भी तंग कर रहा है, आप उन पे सेंक्शंस लगा रहे हो तो रशिया भी कर रहा है। मैन हेल्ड फॉर बिड टू किल अर्जेंटीना वाइस प्रेसिडेंट, तो अर्जेंटीना के वाइस प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करी जा रही थी, बट क्रिश्चना फर्नांडेस इनका नाम है, तो बट जो भी चीज़ें रहीं वो सही रही, इनको कुछ हुआ नहीं, ये एक अच्छी बात है। गोटाबाय सेट टू रिटर्न टू श्रीलंका, तो अपनी जो थाईलैंड ट्रिप है उसे ख़त्म करते हुए वापस लौटने की कगार पे हैं। सुईकुई गेट्स मोर जेल फॉर इलेक्शन फ्रॉड, तो म्यांमार की जो पुरानी लीडर रही हैं ऑंग सन सुई की, उनको 3 साल की सजा सुना दी गई है, और विथ हार्ड लेबर। देखो इंडिया में भी एक चीज़ होती है, रिग्रस इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट। आप देखना जब IPC पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें सजा लिखी हुई है 3 साल प्लस रिग्रेस इम्प्रिजमेंट या सिंपल इम्प्रिजमेंट,
तो रिग्रस इम्प्रिजमेंट का बेसिकली मतलब होता है आपको जेल में ना हार्ड लेबर करना होगा, और सिंपल इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा स्थिति बेटर रहेगी। तो यहाँ पे इनको हार्ड लेबर के साथ कर दिया है। म्यांमार की कहानी तो आपको पता ही है कि मिलिट्री कूप हुआ हुआ है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको गाइस आज का सेशन अच्छा लगा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।